दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों हमारा पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं, आज हम अपने क्वेश्चन 9 से लेकर 17 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 9, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो ये प्रेजेंट एज है, फादर और सन। पिताजी की आयु है पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी इसे अगर मैं एक्स मान लूँ तो इसे मानूंगा 3x+3, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। ठीक है, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट में एज है, अब 3 वर्ष बाद 3x+3 और 3 वर्ष बाद 3x+3। 3 वर्ष पिताजी की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यानी अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर दूँ और इसमें 10 जोड़ दूँ तो पिता पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना, केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x+6 = 2, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x+6+10। 3x, ये 2x, कितना बचा x, ये 10 × 6 = 16 और ये 6 इधर जाओगे 6, x = 10, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब उसने वैल्यू किसकी पूछी है, पिता की वर्तमान आयु। देखो यू है वर्तमान, ये वर्तमान है हमारी, तो पिताजी की पूछी है, x की वैल्यू हमने निकाली इसमें, तो 3x, 3 की वैल्यू 10 प्लस का 3, 10 × 30 + 3 कितना हो गया 33 वर्ष। पिताजी की आयु कितनी आ गई 33 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा सवाल है ये। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी हो गई, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु। ठीक है, ए बी से 9 साल छोटा है, क्वेश्चन नंबर 10, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। यानी अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी x माइनस कर लो भाई, जब ही तो ये 9 साल छोटा होगा इससे। ठीक है, अब इनने क्या कही है, 10 वर्ष में, शुरू की लाइन पढ़ेंगे, 10 वर्ष में यानी x माइनस का 9 + 10, x + 10, इसे सोल्व करेंगे x + 1 और यहाँ पर आ गया हमारा x + 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया सोल, अब आगे पढ़ेंगे। 10 वर्ष पहले, इसने कही है 10 वर्ष पहले, ठीक है, दूसरी कंडीशन बनेगी अब इसमें, 10 वर्ष पहले x - 9, 10 वर्ष पहले कही है इसमें, ठीक है, -10 और इसे भी करेंगे x - 10। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, बी की उम्र से दोगुनी होगी, ए और बी की बात हुई है केवल इसमें, तो हम ए की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे बी की उठाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करूँगा मैं इसे, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू x - 9 और बी की वैल्यू कितनी है, वो सॉरी x + 1, यहाँ पे फाइनल आई, यहाँ पे x + 1 और x - 10। ठीक है, क्या कही है इसमें, 2 गुनी होगी, इसकी उम्र 2 गुनी होगी, तो यानी अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x + 1 = 2 भी अंदर कर गुना कर दो 2x - 20, तो x = कितना आ गया 21, x की वैल्यू हमारी आ गई 21। तो इसने किसकी उम्र पूछी है भाई, बी की,
तो बस x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 21। ठीक है दोस्तों, इसे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे जैसे सवाल में कहिए, इसने कहिए ए बी से 9 साल छोटा है, तो हमने इसकी माननी x, इसकी माननी x माइनस का 9, जब भी तो इससे 9 साल छोटा हुआ। ठीक है, अब इनने कहे 10 वर्ष बाद, तो x माइनस का 9 प्लस 10 जोड़ा, x प्लस 10 जोड़ा, यू हमने सोल्व करा x प्लस 1, x प्लस 10, यू फाइनल निकल के आया हमारे यहाँ पे। फिर दूसरी कंडीशन कही है इसने 10 साल पहले, वर्तमान से 10 साल पहले, तो x माइनस का 9 माइनस का 10, x माइनस का 10। ठीक है, बस यहाँ तक ही रखेंगे, आगे सोल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं। किसने हमें ए और बी की प्रेजेंट वैल्यू से दे रखी, जो भी दे रखा, तो हमने ए की उठाई यहाँ पे और यहाँ पे बी की। इनने कही ए बी से 2 गुना है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 21 निकाल दी। ठीक है, 21। लेकिन इस तरीके से एक और आसान तरीका इसका ऑप्शन टैली करने का, इसे तो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम ऑप्शन टैली करेंगे। ठीक है, उससे आपके समय में बचत होगी, क्योंकि इस तरीके से करेंगे हम तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। ए और बी, पहले सवाल पढ़ेंगे पूरा। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी? अब इसमें ऑप्शन देखो, 10, 20, 35 ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो इसमें 10 तो बहुत वैल्यू छोटी है, हम इसमें 20 लेंगे। हमने ले लिया इसमें 20, और हमें इसमें कितने को बताना है, कंडीशन सही बैठानी है। 5 वर्ष पश्चात भी है, यानी इसे 20 मान लो, इसे 15 मान लो। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ो ए और बी की। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, यही तो है वर्तमान आयु, इनका योग करेंगे हम 20, 15, 35, उनके अंतर, उनका अंतर लेंगे भाई। 20 और 15 का अंतर कितना आ गया, 5, 7 गुना है, तो 5 × 7 = 35, यानी यू कंडीशन हमारी सही बैठ गई, 20 ऑप्शन ले गए। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, 5 वर्ष पश्चात यानी ए की वैल्यू कितनी लेंगे अब हम, 25 भाई, 5 वर्ष बाद की कंडीशन चेक करनी है हमें, ऑप्शन तो हमने 20 ही ले रखा, तो 5 साल योग कितने का, 20 का। 5 वर्ष पश्चात आयु का योग कर लो, उनके बीच अंतर का 9 गुना है। अब इसे अंतर करेंगे हम 25 और 20 का, कितना बैठ जाएगा, 9 गुना, यानी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारा ऑप्शन कितना बैठ गया, 20। अगर हम इसे 10 से लेंगे तो नहीं बैठेगा, 35 से लेंगे तो भी नहीं बैठेगा, आपको बैठा के देखना है सीधा इस पे, यहाँ 35 लेना है या 30 लेना, तो फिर यू नहीं बैठेगा। तो इससे अच्छा तरीका इसका कोई नहीं है, बाकी लेंथ ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे मैंने पहला वाला करवाया है वो इसे आप खुद करके देखना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा जब एज का चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसे भी ऑप्शन टैली करेंगे। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन ले लो, फादर, हमने मान ली इसकी आयु 50 है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी, यानी ये हो गया S1, हमने मान लिया बड़ा पुत्र है तो 25 होगी इसकी, भाई पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी जब भी तो होगी, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। देखो एक छोटा लड़का भी है S2, इसने कही है दोनों लड़कों की में जो अंतर है आयु का वो 15 वर्ष का है, यानी इसकी हमें 10 माननी पड़ेगी। 10 साल बाद ये होगा 60 का, ये होगा 35 का और ये होगा 20 का, 3 गुना हो जाएगी, तो 20 + 60 3 गुना होगी,
तो यानी जो हमने 50 ऑप्शन लिया है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगर आपको एक दूसरा भी ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ मैं, 55। देखो 55 मान लें तो इससे सीधा इसका हाफ होगा तो वो तो वैसे भी गलत हो जाऊगा। 60 का देख लो, F S1 S2, आपका पहला ही ऑप्शन वैसे सही आ गया इसमें। यू 60 मान लो तो इसे कितना मानेंगे, 30, और दोनों में 15 वर्ष का अंतर है तो इसे 15 मानना पड़ेगा। अब 10 साल बाद 3 गुने बैठनी चाहिए छोटे पुत्र से इसकी उम्र, तो यू 70, यू होगा तुम्हारा 40, और 10 साल बाद यू 25 का, यू क्या 3 गुना बैठ रहा, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं भी ऑप्शन टैली करने का। जब भी एज के सवालों में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सीधा आंसर टैली करें। क्वेश्चन नंबर 13, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति हैं कोई, ए और बी मान लेते हैं, 5:7 है, 5:7 है। देखो ये प्रेजेंट में है, इसे हम क्या करेंगे सर्किल में। जो पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो इसे जाकर देख लेगा, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। 18 वर्ष पहले प्रेजेंट यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा, 5:7, 5:7। 18 वर्ष पहले, यानी 18 वर्ष पहले जाएंगे हम तो ऊपर जाएंगे भाई, ठीक है, 8:13 के अनुपात में थी उनकी उम्र है। देखो उनकी उम्र बतानी है प्रेजेंट में। देखो ये 18 वर्ष के बाद है, यू 13 का, यहाँ 7 का, 8 का, यू 5 का। देखो अब किसी की उम्र बाद में जाएगी, जैसे आज कोई 15 साल का तो 5 साल बाद वो 20 का होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यू 8 से 5 नहीं होनी चाहिए, कभी भी देखेंगे निचली वैल्यू हमेशा बड़ी ही होंगी, और ये समान अंतर में होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ पर 3 का अंतर है तो यहाँ पर भी 3 का ही अंतर आना चाहिए। तो अंतर कैसे सेम करेंगे और हमें नीचे की वैल्यू को बड़ी कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 13 और 8 का डिफरेंस 5। अब इसकी मल्टीप्लाई, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5×5=25, इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ 5×7=35, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 8×2=16, 13×2=26। अब देखो अब हमारी वैल्यू ये है 16, 25, 26, 35, 5, 7, 8, 13 से हम इस सवाल में कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो 16 से 25 कितनी वैल्यू बढ़ी, 9, और 26 से 35 यहाँ पे भी 9 बढ़ी, 9 पॉइंट की वैल्यू बढ़ी 18 साल में, यानी 9 पॉइंट की वैल्यू है 18, तो 1 पॉइंट की कितनी होगी भाई, 2 साल, ठीक है। अब देखो यहाँ बतानी है हमें इनकी उम्र, सीधी इसके मल्टीप्लाई में रख दो इसे, 25×50, ए की उम्र जो आगी वो 50 आ गई, और 35×70, बी की वैल्यू आ गई हमारी 70, ऑप्शन नंबर ए। सभी सवाल इसी कंडीशन पर होंगे, आगे बहुत सारे सवाल हैं इसी टाइप के, तो मैं आपको सारे सवाल एक तरीके से समझा दूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 14, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना बीच का अनुपात है 3:1, प्रेजेंट में है ये भाई, 3:1, ठीक है। 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी थी। रीना की आयु मीना की आयु से क्या करनी है भाई, दुगनी। रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। पहले तो हमें इनकी वर्तमान एज बतानी है। अब देखो
यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, ये अंतर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, लेकिन नीचे की वैल्यू आनी चाहिए बड़ी। तो तीन और एक का डिफरेंस दो, दो और एक का डिफरेंस एक। इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो तीन ही रहेगा, फिर भी हम इसे काट लेते हैं, एक एक हम एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो दूनी चार और दो एकम दो, अब इसे मतलब रखना तीन चार एक दो, यानी एक पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, दस। कर लो अभी समय, दस दिया तीस, दस एकम दस, इनकी वर्तमान आयु होगी रीना की और मीना की, तीस है इसकी दस है, लेकिन सवाल में क्या पूछा इसने, पांच वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था, पांच वर्ष पहले पूछा इसने, यानी यू आज तीस की है तो पांच साल पहले कितनी थी, पच्चीस, और यू पांच, पांच एकम पांच, पांच पंजे पच्चीस, पांच और एक का अनुपात आऊगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3, विक्की तथा सुम्मी, विक्की सुम्मी प्रेजेंट है, ये कितना है इनका 2:3। देखो ये सर्कल में रख ली है आपको ध्यान रखने के लिए, 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15। सुम्मी की वर्तमान आयु, सुम्मी की इसकी बतानी है हमें, फिर देखो वही चेक करेंगे भाई, नीचे की वैल्यू बड़ी तो है लेकिन अंतर सेम नहीं है भाई, 11 में से 2 जाओगे 9 और 15 में से 3 गए 12। अब देखो कैसे करेंगे डिफरेंस सेम इनका, 3 और 2 का अंतर 1, 15 और 11 का डिफरेंस 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 दुनी 8, 4 तिया 12, इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 11 और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 15, मैंने काट दिया फिर भी देखो 8 3 11 12 3 15, यानी 3 पॉइंट वैल्यू बढ़ गई, सेम आ गया अंतर, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 पॉइंट की कितनी 4, देखो ये इससे डिवाइड करके आ रहा 3 4 12, तो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 4, 12 4 48, सुम्मी की आयु बतानी है हमें वर्तमान में, तो 12 4 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही टाइप से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे या पूरे एज के, क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन आपको शुरू वाली वीडियो जरूर देखनी है। 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है, 6 वर्ष पहले, देखो प्रेजेंट के पहले हम सर्किल बना लेंगे, 6 वर्ष पहले की बात करी इसने, कमल तथा सुरेश, कमल लिख लो इधर, इधर सुरेश, 6:5 है, 6:5, 4 वर्ष बाद ले लो भाई इनकी उम्र, अब 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 है, 11:10, तो क्या पूछा इसने, सुरेश की पूछी है उम्र इसने यहाँ पे, इसकी उम्र पूछी है वर्तमान में, देखो 6 5 11, 5 और 5 10, देखो आपका डिफरेंस सेम हो रहा और नीचे की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हमें आपका क्या करना है, इनका डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 6 5 5 10, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, भाई 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल 10 साल होगी, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 10, 1 पॉइंट की 5 2 10, 2 आ गई। अब देखो सुरेश की बतानी है हमें, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, कमल की देखो 2 5 2 10 साल का आयु 6 साल पहले, लेकिन हमें बतानी है वर्तमान, तो 6 साल पहले ही 10 का, तो आज कितने का 16 वर्ष का, जो पूछे इसकी कमल की
तो 6 × 12 और 6 साल बाद 18। यदि हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, ऊपर करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 16 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, प्रेजेंट में है भाई एज, और रीत, और रीत की आयु है 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले था इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ये अनुपात कितने साल पहले था। तो आसान है ये तो क्वेश्चन भाई, 40 है, 10 साल घटाओ इसमें 30, 60 में 10 घटाओ 50, 3×5 कितने साल पहले, 10 साल पहले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो देखते हो रहा आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करवा देंगे हम, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक टाइप से ही पूरा एज खत्म होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।